नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई सिक्योरिटी में। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है मुन्ना कुमार जी, जिनका बहुत ही जरूरी सवाल है और जिसको कि मैं आज टच करने जा रहा हूँ और पूरी अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। ये खासकर हिकविजन वालों की एक बहुत बड़ी गलती है या फिर एक मार्केटिंग टेंडेंसी है हिकविजन वालों की, जिन्होंने ये कारनामा किया है 5 मेगापिक्सल के साथ। जी हाँ दोस्तों, 5 मेगापिक्सल, आप सोचिए कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 2 मेगापिक्सल में इतनी अच्छी क्लियरिटी है हिकविजन का, इसके बाद 3 आया 3 के बाद 5 मेगापिक्सल आया। तो सोचिए कि 5 मेगापिक्सल में क्लियरिटी 2 मेगापिक्सल के बराबर ही लगभग थोड़ा सा बस 19-20 होता है, ऐसा क्यों? लोग परेशान है कि यार 4K कैमरा मैंने लगाया, 4K इनपुट नहीं हो रहा है, 4K आउटपुट नहीं हो रहा है, 5 मेगापिक्सल वाली कोई बात ही नहीं रह गए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 5 मेगापिक्सल का कैमरे का प्राइस कम है, DVR का भी प्राइस आप देख लीजिए लगभग 2 मेगापिक्सल का मेटल बॉडी वाला जो DVR है उसके आसपास के रेंज में है। तो आखिर क्या गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम है? और हिकविजन वाले ये कभी नहीं बताते। आज ये सवाल उनका बिल्कुल जायज था कि करीब 43,000 रुपया उन्होंने लगा दिया, 43,000, और उन्होंने 5 मेगापिक्सल के कैमरे को लगाया और DVR जो है उनको पता नहीं, जो भी कारण हो जिन्होंने उनके यहाँ लगाया या फिर वो ऑनलाइन से परचेस करे होंगे, तो उनका 3 मेगापिक्सल वाले DVR को वो समझ बैठे हैं 7V08HQHI K2। सोच लीजिए कि HQHI, ये आप लोग पता ही है कि HQHI जो है ये 2 मेगापिक्सल वाला ये मॉडल है, इसमें 3 मेगापिक्सल लाइट सीरीज में सपोर्ट करता है और पहले तो 5 नहीं करता था, मगर अपग्रेड वर्जन जो भी नया आया इसमें 5 मेगापिक्सल वाला भी कैमरा लाइट मोड में सपोर्ट करता है, यानी कि उसका क्वालिटी जो है एकदम वो इको वाली कहानी हो जाती है। तो वही क्वालिटी जो 5 मेगापिक्सल के कैमरे की है वो लगभग 60% के नीचे हो जाती है। तो सोचिए कि 100% से 60% में आ जाती है वो लाइट मोड में, FPS जो है फ्रेम रेट वाली जो मैं बात करूँ वो कम हो जाता है। तो इस कारण से जो है 5 मेगापिक्सल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, नहीं समझ में आता, आपका मन विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि हाँ 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपने अपने यहाँ लगवाया। इसके बाद जब आप इंस्टॉल करते हैं तो फिर और भी परेशानी है कि अपने 5 मेगापिक्सल के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, 5 मेगापिक्सल उससे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 2 से ज़्यादा होगा 5 मेगापिक्सल की क्लियरिटी, लेकिन यहाँ बात कुछ वैसे नहीं होती, लगभग सेम जैसा होता है। समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 5 मेगापिक्सल का कैमरे लेने के बाद ये परेशानी हुई। तो इसका बहुत बड़ा कारण है DVR। हिकविजन वाले ने 5 मेगापिक्सल का जो DVR है इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि 7V0408 या 16HUHI K1 या K2 जो मॉडल है, इस हिकविजन वालों ने इस मॉडल को लॉन्च किया है 5 मेगापिक्सल का कह के, लेकिन 5 मेगापिक्सल इसमें जो है 12 FPS यानी कि 12 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से रिकॉर्ड करती है, यानी कि 5 मेगापिक्सल जो है लाइट मोड में ही रिकॉर्ड करती है, ये आप समझ लीजिए। तो ये भी बेस्ट नहीं है 5 मेगापिक्सल के लिए, यहाँ भी आपको दिक्कत है और इसके आपका HQHI वाले में तो दिक्कत आ ही रही है। तो अब सवाल यह है कि उनका कौन सा DVR आप लें जो कि 4Q क्वालिटी में आपका काम करे। तो जो लेटेस्ट DVR है, जिसका कि आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा चूंकि लेटेस्ट है, और ये आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो हिकविजन के कस्टमर केयर है वहां से आप बात कर लीजिए। अगर आपने ऑनलाइन परचेस किया है, जिन्होंने भी किया है उनको तो मैं बार बार मैं कहता हूं कि ऑनलाइन परचेस नहीं करें, मगर फिर भी यह गलती आपने कर लिया है तो आप वालों से बात कीजिए, वो आपके नियरेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर है वो बता देंगे वहाँ से आप, या फिर अपने आसपास हिकविजन वाले जो हिकविजन का ब्रांड का अच्छा काम करते हैं उनसे जाके बात कीजिए, वो आपको ये सजेस्ट कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 7V08HTHI K2 ये मॉडल है जिसमें कि 8 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, हाँ 16 चैनल में ये नहीं आया है, 4 चैनल और 8 चैनल में ही है, 8 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, 8 मेगापिक्सल 12 FPS पे यानी कि लाइट मोड समझ लीजिए आप, और 5 मेगापिक्सल लगभग 20 FPS पे यानी कि 5 मेगापिक्सल की क्लियरिटी जो है वही 5 मेगापिक्सल की क्लियरिटी जो HQHI में आप चला रहे हैं या फिर HQHI जो कंपनी रिकमेंड करती है 5 मेगापिक्सल का ये DVR है उससे बढ़िया है कि HTHI में वाले मॉडल पर आप चलाएं, वहाँ पर आपका बेस्ट चलेगा। इसमें जो है 4 ऑडियो इनका भी है, पहले सिंगल ऑडियो इन आता था मगर अब कुछ DVR में 4 ऑडियो इनका भी ऑप्शन आ रहा है, H.265 है, H.264 वगैरह है, इसमें ये खास बात है H.265 H.264 क्या होता है ये मैंने आपको बताया ही था कि रिकॉर्डिंग का डिफरेंस हो जाता है, वही हार्ड डिस्क में H.264 में जो है वो
वन टी बी हार्ड डिस्क में मान लीजिए कि 5 दिन रिकॉर्ड होगा और उसमें वही 1 TB हार्ड डिस्क में लगभग 7 या 8 दिन रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी भी प्लस हो जाती है। H.265 ये मैंने नॉर्मल बता दिया, डिटेल्स में फिर कभी बताऊँगा। तो ये HDHI वाला जो है नेट पर मत ढूंढिए, नेट पर नहीं मिलेगा, इंटरनेट पर अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है। अमेजोन पर मत ढूंढिए, फ्लिपकार्ट पर मत ढूंढिए, आप अपने नियरेस्ट सेलर से बात कीजिए, वो आपको ये प्रोवाइड करा देंगे और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हिकविजन वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं, मार्केटिंग टेंडेंसी को ध्यान में रखकर मार्केटिंग के तरीके को यूज़ कर रहे हैं। 5 मेगापिक्सल का प्राइस बहुत कम बता के लोग सेल कर रहे हैं। कस्टमर जब 5 मेगापिक्सल का परचेस करते हैं तो समझ में नहीं आता ये 5 मेगापिक्सल है भी या नहीं है, इससे अच्छा तो 2 मेगापिक्सल वाली क्वालिटी जब वो अच्छी है। तो ये आप समझ लीजिए, क्लियर समझ लीजिए कि 5 मेगापिक्सल में अगर आप कैमरा लगा रहे हैं तो HDHI वाले मॉडल को यूज़ करें, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और 5 मेगापिक्सल के बारे में जो भी अफवाह फैलाई गई हैं ये क्लियर हो गया होगा आज हमारे इस एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।